बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेवलव क्लासिकल कंडीशनिंग। पेवलव एक रशियन साइंटिस्ट थे और एनिमल बायोलॉजिस्ट भी थे। इनकी फील्ड साइकोलॉजी नहीं थी, इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। बाय चांस इनके एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट साइकोलॉजी की फील्ड से मैच हो गया। उसके बाद जेबी वाटसन ने इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को यूज करते हुए एक फेमस फील्ड बिहेवियरिज्म को स्टार्ट किया। पेवलव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग आज तक बहुत फेमस है और बहुत पुरानी थ्योरी है। सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल का मतलब है बहुत पुराना, बहुत पुरानी चीज और आज तक उसकी कोई ना कोई हैसियत हो। इसी तरह कंडीशनिंग का मतलब यह है कि दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में कैसे जुड़ती हैं और लर्निंग किस तरह से होती है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज करते हैं कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान म्यूज़िक भी बज रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, तो और उसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं, फ़र्ज करते हैं 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल बाद हम किसी पार्क में चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है, तो अचानक वही वाला म्यूज़िक बजना शुरू हो गया जो हमने 10 साल पहले बस में सुना था। म्यूज़िक के बजते ही हमारे जहन में वो पुरानी फीलिंग्स आ जाती हैं, पुरानी यादें आ जाती हैं, पुरानी बातें आ जाती हैं कि हम लोगों ने बस में सफ़र किया, हमारे साथ कौन थे, बस कहाँ रुकी, हमने क्या किया। वो पुरानी तमाम चीज़ें, तमाम बातें एकदम से हमारे जहन में आ जाती हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। पेवलव के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता होगा, पेवलव ने बेल बजाई और कुत्ते को खाना दिया। बेल बजाना और खाना देना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो ही बेल बजती कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता, क्योंकि कुत्ता वो कुत्ते के दिमाग में पुरानी यादें आ जाती, वो पुरानी यादें पुरानी बातें ताज़ा हो जाती, क्योंकि बेल और खाने के दरमियान का जो टाइम का वक्फा है वो बहुत कम है। याद रहे कि दो गैर फितरी चीज़ें आपस में उस वक्त जुड़ती हैं जब उनके दरमियान टाइम का वक्फा बहुत कम होता है, तब हमारा दिमाग उनको आपस में जोड़ देता है। जैसे कुत्ते ने जोड़ दिया खाना और बेल को आपस में जोड़ दिया, इसी को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम टीचिंग एड्स के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ दिखा भी रहे होते हैं, अगर वही वाला टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो बच्चों के दिमाग में एकदम से वो वाली एड्स आ जाती हैं, वो वाला टॉपिक एकदम से उनको याद आ जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के लिए दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, एक है नेचुरल और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। नेचुरल में दो चीज़ें हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस और इसी तरह दूसरा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। एक्सपेरिमेंट में भी दो हैं, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल में अनकंडीशन यानी कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है उकसाना। जब पेवलव ने कुत्ते को खाना दिखाया तो कुत्ता उकसाया और उसके बाद कुत्ते ने रिस्पॉन्स शो किया। क्या रिस्पॉन्स शो किया? कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। यहाँ भी ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हैं या फिर हम खाने की कोई खुशबू हमें आती है तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है, हम खाने के लिए हम भी उकसा जाते हैं और हमारे मुँह में पानी आ जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या हुआ, पेवलव ने जब कुत्ते को खाना दिखाया तो खाना देखने के बाद कुत्ता खाने की तरफ भागा, कुत्ता उकसाया, अनकंडीशन स्टिमुलस, यहाँ कंडीशन नहीं हुई, ये नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद कुत्ते ने रिस्पांस शो किया क्योंकि उसने खाना देखा हुआ था, तो रिस्पांस क्या शो किया, उसके मुंह में पानी आ गया। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कंडीशन नहीं हुई। जबकि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो पेवलव ने एक्सपेरिमेंट किया, पेवलव के एक्सपेरिमेंट में CS और CR, CS कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस। पेवलव ने बेल बजाई और कुत्ते को खाना दिया, कुत्ते के साथ पहले भी ऐसा हो चुका था, इसलिए जो ही कुत्ते ने बेल की आवाज़ सुनी और वो खाने के लिए उकसा गया, उसके बाद उसने रिस्पांस शो किया, उसके मुंह में पानी आ गया। इन दोनों चीज़ों के दरमियान, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बेल और खाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर इन दोनों के दरमियान जो टाइम गैप है वो बहुत कम है। यहाँ जो इसने रिस्पांस शो किया और यहाँ भी इसने रिस्पांस शो किया, याद रहे अनकंडीशन और कंडीशन दोनों में रिस्पांस एक जैसा होता है, एक्सपेरिमेंट हो या फिर नेचुरल प्रोसेस हो। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का शॉर्ट सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।